हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फूडी धावा चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल अनोखी सी रेसिपी जिसको आपने कभी न खाई होगी, न बनाई होगी, न कभी सुनी होगी। ये रेसिपी जो है बिल्कुल समोसे कचौड़ियों को फेल कर देने वाली रेसिपी है। और इस रेसिपी को मैंने यहाँ पे आटा और आलू से बनाया। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 आलू लिया है और आलू को मैंने यहाँ पे अच्छे से पील करके साफ कर लिया है। और इसको मैं यहाँ पे ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर रही हूँ, जो कि मैंने जो जाली ली है वो बड़ी वाली जाली ली है। और इसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है। इस रेसिपी के लिए मुझे यहाँ पे बड़े वाले लच्छे चाहिए आलूओं के। और मैंने यहाँ पे 4 आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया। अब इस आलू को मैंने यहाँ पे स्टार्च निकालने के लिए अच्छे से धो लेना है। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 पानी से मैंने यहाँ पे धो लिया है। और उसके बाद एक्सेस वाटर को मैं चम्मच से या हाथों की सहायता से पानी को निकाल दिया। यहाँ पे मैंने एक छोटी अदरक जो कि 1 इंच है उसको मैंने चॉप करके डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 छोटी हरी मिर्ची चॉप करके डाली, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 प्याज को स्लाइस करके अलग अलग करके मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया जी। तो अच्छे से सब्जियों को मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया पत्ती को साफ करके मैंने मिला दिया है। नमक जो है हमें बाद में मिलाना है, ऐसा इसलिए क्योंकि नमक जो है सब्जियों से पानी छोड़ता है। आप इस रेसिपी में हरी सब्जियों में पत्ता गोभी, गोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे जालीदार बर्तन ली है और ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप कोई सा भी स्टीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पे आटा जो था वो बचा हुआ था, उसको मैंने अच्छे से मिला देना है। अगर आपके पास आटा नहीं है तो आप 1 कप आटे से आटा गूंथ कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटे को मिला दिया। उसके बाद इसकी 4 लोइयां बना लेनी है। तो यहाँ पे हमारी 4 लोइयां बन गई है। तो इसको मैंने यहाँ पे रोटियां बनानी है। रोटियों को मैंने यहाँ पे सूखे आटे लगाकर अच्छे से रोटी बना ली है। रोटी थोड़ी मैंने बड़ी बनाई है और बीच बीच में मैंने सूखे आटे लगाए जिससे कि एक रोटी जो एक दूसरे से चिपके नहीं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे नमक जो स्वाद अनुसार डाल दिया है और सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेना है जी। तो नमक हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो मैंने यहाँ पे जो रोटियां बनाई थी उसके लिए पहले मैंने यहाँ पे सूखा आटा से छिड़क दिया है ताकि रोटियां जो चिपके ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 रोटी ले ली है और उसके बाद मैंने यहाँ पे सॉस मिलाया। जो आपके पास कोई सा भी सॉस या चटनी हो उसका आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोमेटो सॉस का इस्तेमाल किया है या आप यहाँ पे सेजवान सॉस ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेरी वेजीज हैं उसको मैं यहाँ पे रोटियों के ऊपर रख रही हूँ, फैला रही हूँ अच्छे से जी। तो हमारा वेजीज फैल गया। उसके बाद दूसरी रोटी थी उसको मैंने यहाँ पे इसके ऊपर डाल दिया। अब मेरे पास यहाँ पे हरी धनिया पत्ती की चटनी है, इसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। आप यहाँ पे पुदीना पत्ते की चटनी या कोई भी चटनी डाल सकते हैं या आप मेयोनेज भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे वेजीज को फिर से दोबारा से दूसरी लेयर पे डालना है और अच्छे से फैला देना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम तीसरी रोटी की लेयर डालेंगे। उस तीसरी रोटी जो है यहाँ पे मैंने इक्वल शेप पे डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे टोमेटो सॉस लगा दिया है जी। तो टोमेटो सॉस लगा देने के बाद जो वेजीज है उसको भी मैं यहाँ पे फैला रही हूँ। अगर आपके पास वेजीज ना बचे या आप इसके जगह पे अंडे की भुर्जी या पनीर की भुर्जी भी डाल सकते हैं या कंप्लीट प्रोसेस में सिर्फ यही वेजीज मिला सकते हैं। अच्छा, तो चौथी रोटी हमने यहाँ पे डाल दी है और इसको सील करना है साइड साइड से। ऐसा इसलिए कि अगर रोटी सील नहीं होगी तो अंदर से जो वेजीज है वो बाहर निकल आएंगे स्टीमिंग के दौरान। अच्छा, तो यहाँ पे रोटी की सील हो गई है। तो जालीदार बर्तन पे जो मैंने तेल लगाई थी उसके बाद उसको यहाँ पे डाल दिया है। अच्छा, तो मैंने एक अलग से बर्तन में पानी बॉईल करने के लिए डाला था तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पे डिश को रख दिया। इसे 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम होने देना है। अब हमारा 7 से 8 मिनट हो गया है और मैं यहाँ पे टच करके देख रही हूँ ये पका है कि नहीं। तो जी, ये बिल्कुल पक चुका है। तो अब इसे मैंने निकाल देना है और थोड़ा ठंडा होने तक छोड़ देना है। तो अच्छे से ये ठंडी हो गई है तो मैंने इसे यहाँ पे 8 हिस्सों में कट करना। आप इसे
चार हिस्से में भी कट कर सकते हैं, मैंने इसे 8 हिस्सों में कट करना है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका नाम रोटी समोसा रखा है। आपने जो भी नाम दिया हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप इसको पिज़्ज़ा समोसा भी बोल सकते हैं। तो आँखों से थोड़ा खाया जाए तो मैंने इसे फ्राई कर दिया। आप इसको स्टीम में भी खा सकते हैं, स्टीम में बहुत ही टेस्टी लगती है। ट्रस्ट मी गाइस, आई ट्राइड दिस रेसिपी बिफोर। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने घोल तैयार करना, तो घोल तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा, स्वादानुसार नमक और पानी मिला दिया है और घोल तैयार कर ली है। जी, तो यहाँ पे घोल रेडी हो गई है। तो रोटी समोसा को मैदे की घोल से सील करना है, ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर का जो स्टफ है वो बाहर ना आ जाए फ्राई करते वक्त। तो रोटी समोसा हमारे यहाँ पे घोल में अच्छे से सील हो गई है, अब इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है और जो रिफाइंड ऑयल है हमारा वो बहुत अच्छे से गर्म था और मैंने इसे यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। जी, तो रोटी समोसा का नाम दिया है यानी कि समोसा, समोसे का मतलब क्रिस्पीनेस। तो क्रिस्पीनेस होने के लिए मैंने यहाँ पे एक साइड से 2 मिनट और दूसरे साइड से 2 मिनट क्रिस्पी होने तक पकाया है यानी कि फ्राई किया है। अच्छा, तो रोटी समोसा हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसे आप डिश आउट कर लेना है। एक्सेस ऑयल निकालने के लिए मैंने आप टिश्यू पेपर पे सारे रोटी समोसा को डिश आउट कर लिया। तो चलिए हम डिश को प्लेटिंग करते हैं। तो प्लेटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया है और थोड़ा आंखों से खाया जाए थोड़ा सजा दिया टोमेटो सॉस के साथ और ग्रीन चटनी के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं रोटी समोसा हमारी बिल्कुल करारी क्रिस्पी बनी और अंदर से काफ़ी जूसी भी, तो लग रही ना काफ़ी टेस्टी और दिखने में डिलीशियस। इसे आप भी घर पे बनाएं, इंजॉय करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और शेयर करें अपनी एक्सपीरियंसेस को और कमेंट डाउन बिलो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, विल हेल्प मी अ लॉट टू ग्रो माई चैनल एंड मोटिवेट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।